गुड आफ्टरनून बच्चों, आपकी परीक्षा ऑनलाइन टेस्ट शायद अगस्त के अंतिम माह से शुरू है, इसलिए कुछ आवश्यक बातें। व्याख्या तो हमने बता दिया, व्याख्या से प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे वो भी मैंने आपको बता दिया, क्या क्या चीज़ें महत्वपूर्ण हैं एक बार फिर से सुन लें। गद्य से आपको पूछा क्या है, ऑनलाइन टेस्ट में आपसे क्या पूछा जाएगा, आपसे अभी आपने जो भी पाठ पढ़ा, गद्य का पढ़ा, चाहे श्लोक का पढ़ा, संस्कृत का पढ़ा, चाहे पद्य का पढ़ा, सारगर्भित चीज़ें, आप उसमें मैसेज क्या दिया जा रहा है, आप कितना केयरफुल हो के किसी वीडियो को देख रहे हैं, इसी का आकलन किया जाएगा। ऑनलाइन में आपकी स्किल को नहीं देखा जा सकता कि आप लिख कैसे रहे हैं, आपकी स्मरण शक्ति, आपके कंसंट्रेशन को परखा जाएगा। हमने वीडियो में क्या बताया और हमारी बात को आपने कितने ध्यान से सुना, छोटी सी छोटी चीज़ मेंशन की जाएंगी इस वीडियोज में, उसमें ऑनलाइन टेस्ट में, और उसका आपका सम्यक उत्तर देना होगा। आप कितना सहजता से उत्तर और कितनी सतर्कता से उत्तर दे पा रहे हैं, ये चीज़ देखा जाएगा। तो संबंधित कवि, संबंधित लेखक, हमने आपको काव्य पढ़ाया है, इंटरमीडिएट के बच्चों को हमने काव्य पढ़ाया है। काव्य में लगभग तीसरा पाठ खत्म हो गया, दूसरा पाठ हरिऔध जी का हमने आपको पढ़ाया, पौंडूत्य का, और भारत का मैत्रीष्ण गुप्त जी का पढ़ाया गीत, और कैकेयी का अनुताप। अब इसमें कवि की रचनाएं, कवि की महत्वपूर्ण रचनाएं कौन कौन से हैं, कौन सी रचना कब प्रकाशित हुई, पुस्तक में दिया हुआ होगा, अच्छा प्रकाशित नहीं हुई छोड़ दीजिए, उस प्रकाशित तो हो सकता है, बहुत डीप में चले जाएंगे, नहीं पूछा जाएगा। लेकिन जैसे मान लीजिए पूछ लिया गया, पवनदूती का किस छंद में लिखी गई है, किस रस में लिखी गई है, इसमें कौन सा रस प्रधान है, मूल अलंकार इसमें कौन सा है, ठीक है, किस महाकाव्य से संबंधित है वो पद्य, ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी। फिर जैसे मैत्रीष्ण गुप्त जी हैं, मैत्रीष्ण गुप्त जी के विषय में प्रश्न ये उठ सकता है कि उन्होंने कैकेयी का अनुताप लिखा, कैकेयी का अनुताप उनके किस काव्य ग्रंथ से संकलित है, लिया गया है, उसके किस सर्ग से लिया गया है, गीत किस सर्ग से लिया गया है, तो बताया गया होगा कैकेयी का अनुताप साकेत से लिया गया है, तो साकेत से लिया गया है तो साकेत के किस सर्ग से लिया गया है कैकेयी का अनुताप, कैकेयी का अनुताप किस छंद में लिखा गया है, कौन सा रस प्रधान है, कौन सा अलंकार प्रधान है, पढ़ाते समय जो ध्यान में रखेगा निश्चित रूप से उत्तर दे लेगा, ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी है। अच्छा, बोर्ड के लिए अब एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें, हम आपको दो पाठ पढ़ाए हैं, दो पाठ पढ़ाने के साथ साथ आपको साहित्यिक परिचय पूछा जाएगा आपकी बोर्ड की परीक्षा में, तो अब ये चीज़ ध्यान देने की योग्य है बच्चा, कक्षा 11 में आपने पढ़ा होगा जीवन परिचय, जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। जीवन परिचय ठीक उसी तरह का जैसे मैं आपको लेके समझा दूं, तो जीवन परिचय क्या होता है, आपके जन्म से लेकर के, और या हम अपने को ले लें, अपने को ले लेते हैं, हमारे जन्म से अगर हमारा कोई जीवन परिचय पूछे कि संदीप मिश्रा का जीवन परिचय क्या है, तो हमारे जीवन परिचय में हम जब जन्म लिए, शिक्षा ग्रहण किए, माता पिता हमारे कौन थे, क्या थे, कैसे थे, हमारा बैकग्राउंड, पारिवारिक बैकग्राउंड क्या था, शिक्षा कैसे लिया, कितनी लिए शिक्षा ग्रहण किए, फिर साहित्य के क्षेत्र में हमारा का पदार्पण हुआ और हमने कौन कौन से साहित्य लिखे, ठीक है, अगर कोई पुरस्कार मिला तो मिला, नहीं मिला तो ठीक है, कोई बात नहीं है, और यहाँ से संसार से विदा कब हुई, हम हिंदी साहित्य के क्षेत्र में किस लेबल के कवि रहे, जाने किस रूप से जाने जाते, ये हो गया, ये तो जीवन परिचय हो गया।
लेकिन अगर बात साहित्यिक परिचय की आएगी तो ध्यान से समझिएगा, साहित्यिक परिचय का मतलब वो साहित्य के क्षेत्र में जो साहित्य लिखते थे उस साहित्य के भी दो अंग होते हैं, दो रूप होते हैं। जब साहित्य सृजित किया जाता है तो साहित्य के दो रूप होते हैं, एक उसका एक्सटर्नल रूप होता है, एक इंटरनल रूप होता है, एक वस्तु होता है, एक शिल्प होता है, ठीक है। तो जब साहित्यिक परिचय किसी कवि या लेखक का पूछा जाता है बच्चों, तो उसमें वस्तु और शिल्प की चर्चा होती है, उसमें जीवन की चर्चा नहीं की जाती। ध्यान दीजिएगा, वस्तु की चर्चा का मतलब किस वस्तु पर, किस विषय पर वो लिखते थे। कोई भी कवि लिख रहा है या कोई भी लेखक लिख रहा है तो उसका, उसकी वस्तु क्या है। जैसे वासुदेव शरण अग्रवाल राष्ट्र चिंतन करते थे, राष्ट्र चिंतन उनका वस्तु, उनका जो वस्तु था, उनका जो लेख विषय था, वर्णित विषय जो उनका जो था वो क्या है, राष्ट्र। विशेष रूप से वो राष्ट्र की चिंता, राष्ट्र के प्रत्येक अंग पर वो अपनी लेखनी चलाए। शिल्प क्या है, शिल्प में उनकी भाषा क्या है, शैली क्या है, ठीक है, मुहावरेदार भाषा है कि सामान्य भाषा है। भाई हम शिल्प का मतलब कला, हम अपने भाव को किस ढंग से व्यक्त कर रहे हैं। उसी तरह जब कवि लिखता है तो कवि में भाषा, शैली, रस, छंद, अलंकार, वो किस रस का प्रधान कवि है या किस में कौन सा रस प्रधान उसमें है, किस किस रस पे उन्होंने लिखा है, किस किस छंद में लिखा है, कौन कौन से अलंकारों का वर्णन किया है उन्होंने अपने काव्य में। तो आपको वस्तु शिल्प में, सॉरी साहित्यिक परिचय में किसी भी कवि या किसी भी लेखक के वस्तु और शिल्प का वर्णन करना होता है। वस्तु में क्या पूछा जाता है, भाव पक्ष। भाव पक्ष में किस किस स्तर की चीज़ें वर्णित उन्होंने किया है, किस किस भाव पर, किस किस संदर्भ में उन्होंने अपनी लेखनी चलाई है। कला पक्ष में रस, छंद, अलंकार, भाषा, शैली, ये सारी चीज़ें उसमें व्यक्त की जाती हैं, ठीक। तो इसके लिए हम आपको तभी केवल एक सामान्य परिचय दे रहे हैं। आप कवि के विषय में पढ़िए उसकी भाषा क्या थी, चूंकि पीठिका में सब हर कवि और हर लेखक के जीवन परिचय में ही लिखा रहता है उनकी भाषा क्या थी, उनकी शैली क्या थी, उन्होंने किस किस पर अपनी लेखनी चलाई है, उसको ध्यान से दो तीन बार पढ़िए। देखिए यहाँ रट्टू बनने से काम चलने वाला नहीं है। अगर ये सोचो कि हिंदी को केवल हम सब कुछ ऐसा बता दें, रट लें, रट के हम अपना काम चला लें, तो शायद ये संभव नहीं है। आपको अपनी स्किल को मेंटेन करना होगा, और हम रट्टू विद्या वाले अध्यापक भी नहीं है कि हम आपको रटा दें। आप अपने को मेंटेन करिए, थोड़ा क्रिएटिव करिए। इसके लिए पहले आप पुस्तक को पढ़िए, गद्य और पद्य के लेखक, माने जो लेखक और कवि हैं उनके जीवन, जो जीवन परिचय है उसमें उसको ध्यान से पढ़िए, तो उसमें आपको मिलेगा निश्चित रूप से कि उनकी, उनका साहित्य के प्रति समर्पण क्या था, किस किस पर उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए हैं और किस माध्यम से उन्होंने अपने विचार को व्यक्त किया है, ठीक है। इसको पढ़ लोगे तो हम कल आपको वीडियो जो लेके आएंगे उस वीडियो में इंडिकेट करेंगे, भाव पक्ष को इंडिकेट करेंगे एकाध कवि का दृष्टांत लेकर के, और कला पक्ष को इंडिकेट करेंगे। बेटा गांव में है, पढ़ाते समय बहुत शोर होता है, चारों तरफ से खट 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 की आवाज़ आ रही है, सब थोड़ा सा इसलिए डिस्टर्बेंस हो जाता है। इसलिए बहुत लंबा वीडियो हम नहीं दे रहे हैं आपको, बस छोटा सा वीडियो दे रहे हैं। इस वीडियो के माध्यम से बस इतना बताना हम चाहते हैं कि आप पुस्तक के में जो लेखक और कवि हैं उनके जीवन परिचय को पढ़िए कायदे से, और पढ़ने के बाद उस जीवन परिचय से साहित्यिक परिचय कैसे निकाला जाए ये अगले वीडियो में कल आपको समझाएंगे हम, ठीक है। सब लोग पुस्तक को कम से कम 3 से 4 बार पढ़िए। कक्षा 12 के बच्चों के लिए है ये बात। कक्षा 11 में जीवन परिचय ही लिखा जाता है, लेकिन कक्षा 12 में जीवन परिचय नहीं बल्कि साहित्यिक परिचय। और चूँकि अब एक पेपर होने लगा है इसलिए आपको शॉर्टकट में लिखना है, बिल्कुल एक से डेढ़ पेज में ही आपको लेखक का, प्रयास करिए कि एक ही पेज में ख़त्म हो जाए, जितना सारगर्भित कर सके करिए।
ठीक है, तो उसकी कला हम बाद में बताएंगे, जब स्कूल भगवान चाहेगा तो सितंबर में खुल जाएगा तो हम क्लास में आपको वो कला बताएंगे और परीक्षा के समय बताएंगे, लेकिन अभी आप ज़्यादा से ज़्यादा डीपली पढ़ने का प्रयास करिए। हर जितने भी आपके यहाँ लेखक हैं, कवि हैं, उनको जानो बेटा। साहित्य पढ़ने का मतलब नहीं कि तुम पास हो जाओ, साहित्य का मतलब है साहित्य का असर तुम्हारे जीवन पर पड़े और साहित्य के उस लेखक उस कवि के विचार से अपने जीवन में बदलाव ले आकर के और एक अच्छे इंसान बनने का प्रयास करो। ये साहित्य पढ़ने का मतलब होता है, केवल परीक्षा पास करना ही साहित्य का उद्देश्य नहीं है। ठीक है, ओके।